छांगामांगा से एक अफसोसनाक खबर है जिसे आपको अपडेट करें। आपको बताते चलें कि छांगामांगा में सफाक शोहर ने दोनों टांगों से माजूर अहलिया को जला दिया। अफसोसनाक खबर जिसे आपको अपडेट करते चलें, छांगामांगा में सफाक शोहर ने दोनों टांगों से माजूर अपनी अहलिया को जला दिया है। मुतासरा खातून का 80% जिस्म झुलस गया है, तश्वीशनाक हालत में है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की रिवायती बेहिसी है कि अपने अरूज पे है, मुकदमा अभी तक दर्ज न हो का मुलजिम आजाद है। जबकि आपको बताते चलें कि मुमताज बीबी मुलजिम की दूसरी अहलिया थी, अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मुलजिम ने मुमताज बीबी को व्हीलचेयर से बांधकर जलाया, बहू ने यह बयान दिया है। जबकि आवाज सुनकर बाहर आई तो मुमताज बीबी झुलसने के बायस शोर मचा रही थी। आपको बहू के बयान के बारे में अपडेट कर चले। और दूसरी जानिब पुलिस की रिवायती बेहसी, इससे पहले भी पुलिस गर्दी और पुलिस के इस तरह की रिवायती बेहसी के वाकयात जुबान जदे आम रहे, इस तरह पहले भी वाकयात देखने में आए। एक और वाकया पुलिस की बेहसी का कि मुकदमा तक दर्ज ना हो सका, मुलजिम आजाद है। और ये आपको बताते चले कि मुमताज बीबी मुलजिम की दूसरी अहलिया थी। इसी हवाले से मुझे तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 कसूर से सज्जाद अंसारी से। सज्जाद अंसारी, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात हैं? जी फैजा, ये कसूर का नोही इलाका है मोर कुंदन, इसमें बशीर अहमद मुमताज बीबी से दूसरी शादी कर रखी थी, जबकि मुलजम जो बशीर अहमद की इसकी पहली बीवी से 5 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटा और दो बेटियां हैं। बशीर अहमद और उसकी अपाहज बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता रोज कबल सफाक शोहर ने अपने दोनों टांगों से अपाहज बीवी को रात गए लकड़ियां इकट्ठी करके अपनी बीवी को व्हील चेयर के साथ बांधकर, जिस पर वो चलती फिरती थी, कि रस्सियों के साथ बांधकर इसको पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी, जिस पर मुमताज बीबी ने शोर करना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनने के बाद अहले मोहल्ला जब इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने आग पर काबू पाया है और तश्वीशनाक हालत में जिना अस्पताल बताया। जी अच्छा, हमें ये बताएगा सज्जाद अंसारी के मुतालिक, एसएचओ से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है, पुलिस की रिवायती बेहिसी इस कदर अरूज पर क्यों है, मुकदमा दर्ज ना होने की वजूहात क्या है? जब हमने उनसे मौकफ लेने की कोशिश की है तो उन्होंने इन कैमरा कोई भी बात बताने से इनकार किया है। और जब हमने उनके कहा है कि अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा अभी तक हमें इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन ना दी गई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी बात अभी हुई थी पुलिस ऑफिसर से, उन्होंने ये बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी सज्जाद अंसारी, हमें बताइएगा कि मुतासरा खातून का 80% कह रहे हैं कि जिस्म झुलस गया है, उसकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या खतरे से बाहर है या इंतहाई तश्वीशनाक है? नहीं, उसकी वो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, लेकिन उसकी हालत जो है ना इस वक्त भी तश्वीशनाक है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। डॉक्टर जो है ना उसकी अपनी अपनी ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत अभी भी खतरे में है। जी जी बहुत शुक्रिया सज्जाद अंसारी, नुमाइंदा चैनल 5 कसूर से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले, आपको बताते चलें कि छांगामांगा में सफाक शोहर ने दोनों टांगों से माजूर अहलिया को जला दिया है, मुतासरा खातून का 80% जिस्म झुलस गया है। छांगामांगा से आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें, छांगामांगा में सफाक शोहर ने दोनों टांगों से माजूर अहलिया को जला दिया, मुतासरा खातून का 80% जिस्म झुलस गया, तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल।